अव्यक्त महावाक्यों का सार ज्ञान मोती। बाबा ने कहा, वैसे तो सभी ब्राह्मणों का लक्ष्य सहज योगी बनने का ही है, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण कभी सहज योग का अनुभव करते और कभी मुश्किल। वास्तव में हर एक ब्राह्मण आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान है, त्रिकालदर्शी है, और ऐसी मास्टर ज्ञान सागर आत्मा कभी किसी कर्म में या संकल्प में मुश्किल का अनुभव कर ही नहीं सकते, क्योंकि ब्राह्मण आत्माओं के लिए सर्व संबंध का आधार और सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप ही है। तो फिर स्वतः योगी बनना मुश्किल थोड़ी है, ये तो सहज है। ना चाहते हुए भी बुद्धि वहां जाएगी जहां सर्व संबंध है और सर्व प्राप्तियां हैं। फिर बाबा ने सहज योगी बनने की एक और युक्ति सुनाई कि सदा अपने संकल्प, वाणी और हर कार्य द्वारा विश्व की सर्वात्माओं की सेवा करो। ये बाबा सहज योगी बनने की युक्ति बता रहे हैं। फिर से सुनिए, बाबा ने कहा, सदा अपने संकल्प, वाणी और हर कार्य द्वारा विश्व की सर्वात्माओं की सेवा करो। इस ब्राह्मण जीवन में जो भी खजाने मिले हैं, बाप द्वारा जो खजाने प्राप्त हुए हैं, उन सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा प्रति लगाओ, अर्थात सबके सहयोगी बनो, तो आप स्वतः सहज योगी बन जाएंगे। मतलब जो हमारे पास बाबा से मिले हुए खजाने हैं, उनको औरों के प्रति सेवा में लगाओ, तो हम सहज योगी बन जाएंगे। बाबा ने कहा, अब तुम्हें अपनी वृत्ति द्वारा इस वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने का सहयोग देना है। स्मृति द्वारा सर्व को मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप की स्मृति दिलानी है, और वाणी द्वारा क्या करना है, आत्माओं को स्वदर्शन चक्रधारी बनाने का सहयोग देना है, और कर्म द्वारा सदा कमल पुष्प समान रहने का या कर्मयोगी बनने का संदेश सबको देना है। जो महादानी आत्माएं हैं, वह सर्व खजाने स्वयं प्रति कम यूज करेंगे और सेवा प्रति ज्यादा, तो अब बेहद के सेवाधारी बनो। ये समय सर्व खजानों को स्वयं प्रति यूज करने का नहीं रहा, उदार चित बन खजानों को बांटते जाओ, तो तुम्हारा स्वयं का उद्धार अपने आप हो जाएगा। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।